जोर शोर कांग्रेस ने आज से तकरीबन 4 महीने पहले मेंबरशिप अभियान का आगाज किया था। 50 नए सदस्य बनाने का टारगेट था और आखिरी तिथि 31 मार्च थी, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी के सदस्य केवल 2 लाख बने हैं। यह अलग बात है कि डिजिटल प्रोसेस के तहत 3 लाख कतार में है। पीसीसी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने समीक्षा बैठक की है और साफ कह दिया है कि अभियान में देरी का नुकसान मुझे और हम सबको उठाना पड़ेगा। एक रिपोर्ट देखिएगा। प्रदेश संगठन चुनाव को लेकर बीते कई महीनों से चल रही कांग्रेस डिजिटल मेंबरशिप अभियान की सुस्त चाल को लेकर कांग्रेस एक्शन में आ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कम मेंबरशिप के लिए मंत्री विधायकों की सक्रियता पर सवाल या निशान लगाया है। डोटासरा ने कहा कि डिजिटल मेंबरशिप अभियान को उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इसकी एक वजह यह है कि मंत्री विधायकों का सहयोग नहीं मिल रहा। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मंत्री विधायक विधानसभा में व्यस्त होने के चलते इस अभियान से नहीं जुड़ पा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से सदस्यता अभियान जिस गति से चलना चाहिए था उसमें कुछ कमी आ रही है, और कमी का कारण केवल डिजिटल में। ऑफलाइन चल रहा बराबर, जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा, कहीं दिक्कत नहीं है। हम चाह रहे थे कि डिजिटल ज़्यादा से ज़्यादा बने। डिजिटल के लिए हमारे लोग काम कर रहे हैं, अभी भी हम 2 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं और मैं समझता हूं कि हम जल्दी इसको 5-7 दिन में पूरा करेंगे। लेकिन चूंकि एमएलए साहिबान और मंत्री साहिबान जो इसमें अपने कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं वो विधानसभा में हैं, इस कारण से भी थोड़ी बहुत हुई है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको और अच्छे तरीके से करेंगे। थोड़ा बहुत टेक्निकली पहली बार ऐप बना है तो टेक्निकली कोई दिक्कत भी आ रही थी, तो उसको भी हमने AICC से इसको ठीक कराया है। तो मैं समझता हूँ कि सब मिलकर के और डिजिटल और मैनुअल दोनों तरीके से सदस्यता अभियान, हमें जो टारगेट दिया गया है उसको हम अचीव करेंगे। पीसीसी चीफ ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डिजिटल मेंबरशिप अभियान की तुलना में ऑफलाइन मेंबरशिप ज्यादा हो रही है। ऑनलाइन मेंबरशिप में अभी केवल 2 लाख का ही आंकड़ा पार हुआ है। ऑफलाइन की तुलना में डिजिटल मेंबरशिप पर ज्यादा फोकस रखने को कहा गया था, लेकिन कई बार डिजिटल मेंबरशिप के ऐप में तकनीकी खामी आ जाती है। इसे लेकर AICC को भी तकनीकी खामी दुरुस्त करने को कहा गया है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि डिजिटल मेंबरशिप और ऑफलाइन मेंबरशिप के जरिए जो 50 लाख का टारगेट राजस्थान को दिया गया है उसे पूरा किया जाए। हमारे निरुपम साहब जो हमारे PRO हैं उनका कार्यक्रम बना था, तो निश्चित रूप से मैं भी जाऊंगा, निरुपम साहब भी जाएंगे और हम लोग कार्यकर्ता और चीफ इनरोलर और हमारे प्रमुख नेता वहाँ जो भी संगठन में सक्रिय हैं उन सब से चर्चा करेंगे कि 31 मार्च तक डिजिटल सदस्यता अभियान में और ज़्यादा गति दे करके हम इसको जो टारगेट हमको दिया गया है उसको पूरा करें। इससे पहले पीसीसी चीफ ने डिजिटल और ऑफलाइन मेंबरशिप अभियान को लेकर प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में पदाधिकारियों, जिला अध्यक्ष और बोर्ड निगम के चेयरमैन की बैठक ली, मेंबरशिप अभियान की समीक्षा की। बैठक के दौरान अध्यक्ष ने सभी को निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च मेंबरशिप अभियान की आखिरी तारीख है, इसीलिए अब 10 दिनों तक इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए और जो टारगेट AICC की ओर से दिया गया है उसे पूरा किया जाए। बहरहाल कांग्रेस को उम्मीद है कि सदस्यता अभियान की तारीख आगे बढ़ेगी। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।